जो है ना वो लाइंड बाय मीजोथीलियम और फ्लैटेंड एपिथीलियम, सिर्फ फ्लैटेंड एपिथीलियम होते हैं। फीमेल पेरिटोनियम के अंदर क्या होता है, पेरिटोनियम कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर थ्रू यूट्राइन ट्यूब, क्योंकि हमें पता है यूट्रस होती है तो यूट्राइन ट्यूब से कनेक्ट होगी। इसके अलावा जनाब एपिथीलियम के साथ ओवरीज जो होते हैं लाइंड विद एपिथीलियम हो गया, और पेरिटोनियम कवरिंग दी फिम्रियाई और लाइंड विद सिलिएटेड एपिथीलियम, यानी जो फिम्रियाई होते हैं फिम्रेटेड एंड होते हैं यूट्राइन ट्यूब के इनफंडिबुलम वगैरह उस वहाँ पे जो होते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, बस यही बात है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम इंतहाई आसान है, हमें पता है कि इसके अंदर ना वो फ्रीली मूव कर रहे होती हैं ना एक किस्म के तो आर्गन्स विसरल पेरिटोनियम के अंदर, तो ये क्या करेगा मूवमेंट ऑफ विसरल करवाएगा इजीली, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जो स्टोमिक की होती है ना उसके लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा मूवमेंट के साथ साथ इसकी क्या करवाएगा ऑर्गन की प्रोटेक्शन करेगा, उसी इन्फेक्शन से बचाएगा। अब ग्रेटर जो है ना ओमेंटम जो मैंने बताया था कि जो यार पेरिटोनियम की जो कवरिंग स्टोमिक के ऊपर होती है ना बड़े हिस्से पे, उसे हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, जो कम होती है उसे लेसर ओमेंटम। जो ग्रेटर ओमेंटम जिसने ज़्यादा सारा कवर किया हुआ है ना उसे हम कहते हैं पुलिस मैन ऑफ अपडोमन, क्यों, क्योंकि वो इन्फेक्शन से बचाती है और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ जाके ना सील एक लगा देती है और इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक देती है। और नेक्स्ट जो है ना अब्जॉर्प्शन और डायलिसिस, हमें पता है कि जो जिनकी रिनल फेलियर होते हैं ना तो एक होता है हीमोडायलिसिस एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल में पेरिटोनियल कैविटी से जनाब हम वो डायलिसिस फ्लूड डालते हैं और सारे का सारी अब्जॉर्प्शन हो जाती है वेस्ट की, और जो यूज़फुल होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए अब्जॉर्प्शन और डायलिसिस इसमें लिखा हुआ है। जो होते हैं मीजोथीलियम सेल वो एक्ट करते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, वाटर और क्रिस्टलाइट को क्या करते हैं वो ब्लड कैपिलरीज की तरह ना पास करते हैं, रिस्पायरेटरी मूवमेंट के अंदर एड करते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ये आ भी गया। उसके बाद वो कहता है हीलिंग्स पावर एंड एडहीजन हो गया, यानी जिस तरह ये पुलिसमैन का काम ये कर रहा था ना उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसने हीलिंग वगैरह भी करनी है। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं कुछ जिन्होंने कटिंग कर देनी है उन वाउंड की साइड पे जाके जो बैक्टीरियाज वगैरह ना उनकी। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फैट, जो बेली फैट्स आपको पता है बेली फैट्स आ जाता है वो ओमेंटम्स के अंदर आता है, पेरिटोनियल फोल्डिंग के अंदर आता है। पेरिटोनियल फोल्डिंग कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स हो गया पार्टिकुलरली ओबीस पर्सन में। अब जो क्लिनिकल एनाटॉमी में वो कह रहे हैं अगर फ्री फ्लूड पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा, ये विसरल है ये पेराइटल, इन दोनों के दरमियान जो कैविटी है इसके अंदर फ्री फ्लूड आ जाएगा एसआईटीज आएगा। अब ये किस किस केसेस में आता है, या अगर लीवर की सिरोसिस हो जाए या टीबी हो बंदे को या पेरिटोनाइटिस यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो। अब वीन गेट प्रोमिनेंट हो जाती हैं केस ऑफ लीवर सिरोसिस, ये लीवर सिरोसिस की निशानी है कि पेट के ऊपर ना आपको वेन जो है ना उसे हम कहते हैं कैपेट मेड्यूसी एक किस्म का, वो भी इसी मिलती जुलती है। अब फ्लूड फ्राम दी पेरिटोनियल कैविटी कैन बी रिमूव्ड, अच्छा अब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड तो आ गया, अब कहाँ कहाँ से रिमूव करेंगे, ये देखें ये क्रॉस एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है, हाइपोगेस्टियम में बिटवीन अम्बिलिकल और प्यूबिक सिम्फिसिस के अंदर या इलिक फोसा इन दोनों के दरमियान, वही बात कर रहा है प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान या फिर एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन यानी एलिक फोसा वाले रीजन में। अब जो प्रोसीजर होता है ना पैरास्टेंसिस यानी एक किस्म का पेंचर लगाना पैरास्टेंसिस, मैंने तो यूँ ही याद रखा हुआ है। अब इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनाइटिस नाम में लिखा हुआ है। अब अगर वो मैंने कहा था अगर एयर होगी तो नीमो पेरिटोनियम, अगर ब्लड होगा तो हीमो पेरिटोनियम होगा, यही बात है। अब उसके बाद अगर हमने पेरिटोनियल कैविटी की किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने उसकी जांच पड़ताल करनी है ना तो वो अमल क्या रहेगा लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोप हो गया। अच्छा अब अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की अगर ओपनिंग कर देना, ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बाय सर्जन यानी उसको कट सेक्शन लगा दे तो हम इसे कहते हैं लेप्रोटमी, लेप्रोटमी उसे प्रोसीजर को कहते हैं लेप्रोटमी। और अगर पेरिटोनियम की एग्जामिनेशन की जाए कैविटी की तो उसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोप, इसके अंदर काटा वगैरह नहीं लगता। अब ग्रेटर ओमेंटम जो होता है ना वो क्या करता है पुलिस मैन की तो हर काम करता है, अगर वो अपेंडिक्स किसी की खुदा ना खासा फट गया तो इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से रोक देता है, या गैस्ट्रिक अल्सर है तो इसी में भी मदद करता है कि इसे रोका जा सके। इन्फ्लामेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम यानी बाहर वाली जो है ना वो सवियर पेन, क्योंकि वो सेंसिटिव टू पेन होती है पहले बता चुका हूँ मैं। पेरिटोनियम डायलिसिस जो होता है ना वो रीनल फेलियर में किया जाता है, बस यही इसी अंदर पर। होप सो आपको यहाँ समझ आ गई, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।